ये लीजिए आपका बिल। क्या हुआ? रिएक्शन तो ऐसे दे रहे हो जैसे 800 का नहीं 80,000 का बिल देख लिया हो। सर मेरे पास 500 रुपये हैं, मैं 300 आपको बाद में दे जाऊंगा। 500 रुपये? अगर जेब में पैसे नहीं होते हैं तो इतने महंगे रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाने आते हो? बाहर छोले भटूरे की रेडी भी लगी हुई थी, वहीं खा लेते। सर हमें पता नहीं था कि यहाँ पर इतना महंगा खाना मिलता है। अरे इतना महंगा नहीं होगा तो कितने का होगा? क्या 10-10 रुपये में आइटम बांटने लग जाओ क्या? नहीं सर, आप ये 500 रुपये रख लो, मैं आपको कल पक्का आकर 300 रुपये दे जाऊंगा। अब बस यही काम रह गया कि सर कल आएंगे और हमें 300 रुपये देकर जाएंगे, अब हम उनका वेट करें, है ना? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आज ना मेरी बीवी का जन्मदिन है, मैंने इसको वादा किया था कि इसके जन्मदिन पर इसको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिलाकर लाऊंगा, बस इसलिए आया था सर। तो मेरे भाई वादे भी ना अपनी औकात के हिसाब से ही करने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी वादे कर दो। तो संजू साहब बिल मांग रहे हैं। ओ उनसे बिल नहीं लेना, मैं बात करता हूँ उनसे। हाँ जी सर बताइए। अरे यार हम आपके वेटर को बोल रहे बिल दे दो, वो मना कर रहे बिल के लिए। सर हम आपसे बिल नहीं ले सकते, आप हमारे रेस्टोरेंट में आए हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ इसे क्या मतलब है? सर देखिए आपके मिलियंस में फॉलोवर्स है और आप हमारे रेस्टोरेंट में आए, हम तो काफ़ी खुश हैं, और देखिए सर हम आपसे बिल नहीं ले सकते। अरे नहीं नहीं भाई, हम यहाँ आए हैं खाना खाया तो हम बिल पे करेंगे। सर बात को समझो, हम आपसे बिल नहीं ले सकते, ये सब आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो यार अगर आप ऐसे करोगे ना तो हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे, हमारे पास पैसा है हम पे कर सकते हैं तो हम पे कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैसे नहीं होते तो? सर नहीं होते तो कोई बात नहीं, फिर भी आपके लिए रेस्टोरेंट हमेशा ओपन है। अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री 1% एक्सेप्ट भी कर लेता, लेकिन तुमने जो उन दोनों के साथ किया है, उनके साथ जो बदतमीजी की है, उन्हें जो नीचा दिखाया, उसके बाद तो मैं तुम्हें डिस्काउंट के लिए भी नहीं बोल सकता। सर आप अपना कंपैरिजन उन लोगों से क्यों कर रहे हो? कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। जिनके पास पैसे नहीं है उन्हें शायद नहीं पता होगा कि उनका इतना बिल आ जाएगा, और वो बोल भी रहे हैं कि बचे हुए पैसे वो दे जाएंगे, उन पे तो तुम 300 रुपये भी नहीं छोड़ रहे, और हम जो आराम से बिल पे कर सकते हैं उन पे तुम 2200 रुपये तक का बिल छोड़ रहे हो। क्यों? क्योंकि हम फेमस हैं। और उस आदमी ने तुम्हें कितनी बार बोला कि मेरी वाइफ का बर्थडे है, फिर भी तुम उसकी वाइफ के सामने उसको नीचा दिखाने लगे हुए हो, बेइज्जती कर रहे हो उनकी। और ये जो तुम हमें इतना अच्छा बन के दिखा रहे हो ना, मुझे पता है कि इतने अच्छे नहीं हो तुम, अगर तुम इतने अच्छे होते ना तो वो 300 रुपये के लिए इतना ड्रामा नहीं करते वहाँ पे। खैर वो गरीब लोग थे, वो तुम्हारे कहाँ ही काम आएंगे, हम लोग तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएंगे ना तुम्हारे, तभी तुम 2200 तक का बिल छोड़ने को तैयार हो। वैसे कितना बिल है हमारा? 2200 ना, एक मिनट, ये लो 2500 रुपये, 2200 हमारे और 300 उन लोगों के। और हाँ उन्हें बताना मत कि उनके 300 रुपये हमने पे किए हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। श्योर मैम, एंड सॉरी सर अगर आपको किसी चीज़ का बुरा लगा हो तो। बुरा हमें नहीं लगा, बुरा उन लोगों को लगा है जो उनके स्पेशल डे पे तुमने उनकी बेइज्जती की है। सर मैं उनको भी जाके सॉरी बोलता हूँ। अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, चलो। आई एम सॉरी सर, मैंने आपसे जो भी बदतमीजी करी। एंड सर जिनका भी बर्थडे होता है हम उन कस्टमर्स को 40% डिस्काउंट देते हैं, और केक हमारी तरफ से होता है। क्या सच में? जी सर। एंड हैप्पी बर्थडे मैम, एंजॉय योर बर्थडे सर। धन्यवाद सर।